कैसे हैं आप? बढ़िया। तो चलो, जो आज का टॉपिक है मेरे पास वो है एक सैमसंग का इन्वर्टर एसी का पीसीबी है जो आउटडोर का ही है। इंडोर का मेरे पास नहीं है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आउटडोर स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो मैंने आउटडोर का ही मंगाया है। तो अब देखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कि क्या क्या है ये। इधर देखिए, रिएक्टर कोयल की जगह मैं ये शॉर्ट कर देता हूँ इसको, नहीं तो ये लाइन बनेगी नहीं। ये यहाँ मैं रख दिया उसको। इसमें दोस्तों सप्लाई देने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये वाला ये है ना, यहाँ से आया। देखिए तो दोस्तों, ये फॉल्ट के लिए मेरे स्टूडेंट हैं, वो भी मेरे पास अभी बैठे हैं क्योंकि उनकी भी तमन्ना है कि ये फॉल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उनको भी जानना है इस चीज़ के बारे में। तो मैं ये स्टूडेंटों के जो सामने ही इसको चेक करेंगे भी और क्या रिजल्ट रहता है, वो सही हो जाएगी तो वीडियो आ जाएगा, नहीं होएगा तो फिर वीडियो भी नहीं आएगा आपके पास। तो ये मैं न्यूट्रल और लाइन लगा चुका हूँ और मैं इसको भी ये सप्लाई दे रहा हूँ। तो ये मैं सप्लाई इसको दिया हूँ तो ये बल्ब गिलू कर रहा है, तो मैं दूसरी सीरीज में लगाता हूँ, देखता हूँ कि ये गिलू कर रहा है। लेकिन किसी किसी में इतना गिलू होता है तो मैं इसको डायरेक्ट ही लगाता हूँ। तो ये मैंने अभी डायरेक्ट लगा दिया है, देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए ये LED होती है, यहाँ सैमसंग के बोर्ड में यहाँ 3 LED हैं, ये भी कोई भी LED गिलू नहीं कर रही है। तो अब अपने को देखना है कि ये वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, ये क्या इस बोर्ड के अंदर जो SMPS दिया है वो अलग से है, तो अपन ट्रेस करते हैं कि ये SMPS काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए, इस जेब में इसका 15 वोल्ट है ये वाला, और ये जो है ये 5 वोल्ट भी है और 12 वोल्ट भी है, इसमें 2 हैं। तो मैं इस बोर्ड को अभी लेटा दिया हूँ और अपन वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज अपनी बन रही या नहीं बन रहे हैं। तो ये DC मोड पे मैं मीटर को कर दिया हूँ और देखिए इस वाले बोर्ड के अंदर बीच वाला जो है वो ग्राउंड है और ये ब्लैक जिसमें दे रखा है वो 15 वोल्ट है। तो पहले वोल्ट अपने को ये देखने की वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ ये 12 वोल्ट शो कर रहा है। तो दोस्तों, ये वाला जेक पे 12 वोल्ट आएंगे, ये चोरी मैंने 15 वोल्ट वाला नहीं दिया, ये 15 वोल्ट वाला नीचे रह गया। चलो इसमें देखते हैं, इसमें 5 वोल्ट और 12 वोल्ट हैं। तो ये बीच वाला ग्राउंड है और इधर ये 12 वोल्ट शो कर रहा है। अब 5 वोल्ट की तरफ मैं देखता हूँ तो यहाँ 5 वोल्ट मेरे नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो चलो मैं इस वाली सप्लाई को और चेक करता हूँ कि इधर क्या है। ये ग्राउंड किया और ये चेक कर रहा हूँ तो इस पर ये कुछ नहीं दिखा रहा है। दूसरे पे जाता हूँ तो यहाँ 23 वोल्ट का इनपुट है, यहाँ 15 वोल्ट की जगह 23 वोल्ट 24 वोल्ट आ रहे हैं ये। लेकिन ये 24 वोल्ट जायज हैं क्योंकि 78015 इसमें लगा रखी है, तो ये 24 वोल्ट जब जाएंगे तो ये 15 बना लेगा। इधर 5 वोल्ट का ये सिस्टम है तो ये इसके लिए 5 वोल्ट यहाँ बनाएगा, इसके लिए IPM के लिए। और इसमें 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का सिस्टम इधर और दिया है, तो वो 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, 12 वोल्ट ज़रूर आ रहे हैं। तो 12 वोल्ट रिले विले के लिए सही है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को इसमें सप्लाई के लिए वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो मैं अब आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या लगा है, कहाँ से मेरे 5 वोल्ट आएंगे। तो दोस्तों, ये 5 वोल्ट ये एक IC लग रहा है। चलो इस IC पे भी मैं चेक करता हूँ कि ये क्या करती है IC। तो यहाँ मेरे 7.9 वोल्ट आ रहे हैं, देखिए ये IC का इनपुट है, यहाँ 7.9 आ रहे हैं। अब जहाँ इनपुट हो रहा है वहाँ देखता हूँ तो इनपुट में ये 0 दिखा रही है, कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ 5 वोल्ट मेरे आने चाहिए, ये 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, इनपुट में भी आ गया तो इसको मतलब आउट नहीं कर रही, तो 100% हो गया कि IC ही अपनी डैमेज है ये। तो दोस्तों, पहले इस IC को निकालते हैं अपन और देखते हैं कि IC का नंबर क्या है, कौन सी IC क्या है।
क्योंकि 7805 तो नहीं है, क्योंकि 7805 की जो इक्विवेलेंट होती है वो अलग होती है, इसकी अलग है, तो बाहर निकालने से पता चलेगा इसे। तो मैं अभी इसको हटा दिया हूँ लाइन को, और ये डिस्प्ले को डिसकनेक्ट करता हूँ पहले, फिर देखता हूँ कि ये क्या करना पड़ेगा इसका। तो ये हटा दिया हूँ, और ये वाली आईसी है, ये देखिए आप, ये है। तो 7805 के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो बीच वाला ग्राउंड होता है, लेकिन इसमें बीच वाले पॉइंट से आउटपुट किया है, और इनपुट जो है वो लास्ट वाला इनपुट है, लास्ट वाला इनपुट है, बीच वाला आउटपुट है, और जो फर्स्ट पिन है, फर्स्ट पिन इसकी ग्राउंड है, तो ये उसकी इक्विवेलेंट के अलग है ये। तो अभी निकालते हैं, फिर देखते हैं इसके नंबर नंबर क्या है, अपने पास है या नहीं है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको निकालता हूँ, दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि ये पूरा देखेंगे तो ही आपको हल होएगा, वरना ये पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस आईसी को भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और देखते हैं क्या है ये। तो ये बाहर आ गया आईसी। तो दोस्तों इसके जो नंबर आ रहे हैं मैं आपको पेपर पे लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि आपको भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है इस नंबर की, इसलिए मैं दूसरा पेपर लेता हूँ, उस पर लिखता हूँ, नंबर आपको शो कराता हूँ कि ये नंबर क्या है। तो आपने इस पे जो नंबर है दोस्तों AZ 1117 T। तो दोस्तों आगे नंबर जो है वो टी है, AZ 1117 T, ये नंबर है इस आईसी के। अगर आपके वो मिल जाती है तो ये आईसी लगाना है आपको, अगर नहीं मिलती है तो अब ये मेरे पास आईसी नहीं है, क्योंकि ये वाला मिलता भी नहीं है मार्केट में, मैंने कभी परचेज़ किया भी नहीं है। तो अब अपन देखते हैं कि 7805 से काम करवाते हैं अपने क्या होता। तो मेरे पास ये एक 7805 है, ये ओल्ड है, तो मैं इसी से काम करवाता हूँ, क्योंकि मैं पार्ट से मार्केट से बहुत कम ही परचेज़ करता हूँ, मैं ओल्ड से ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि ओल्ड वाला जो पार्ट्स होता है वो थोड़ा जीनियन होता है। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे वापस पीसीबी में देखना पड़ेगा कि किस किस तरीके से डायरेक्शन है इसका, तो किस तरीके से मुझे करना पड़ेगा। तो ये पिन नंबर एक ग्राउंड है इसका, तो पिन नंबर एक को मैं बीच वाले से अगर कनेक्ट करता हूँ तो फिर ये मेरे दोनों भी अलग हो जाएंगे, लेकिन अब अलग होंगे तो क्या करना, तो वैसे ही पड़ेगा जैसे ये होएगा, क्योंकि इसमें और कोई रास्ता अब नहीं नज़र आ रहा है। हाँ तो दोस्तों मैं अभी ये क्या है, ये आईसी के ऊपर मैं ये वायर मुझे जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये अगर नहीं जोड़ता हूँ तो फिर ये अलग मामला होएगा। तो मैं ये पिन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दोनों को इनपुट और आउटपुट को। अब मैं इस पे एक तार जोड़ूँगा ताकि ये आपस में शॉर्ट नहीं होए या बोर्ड में कहीं भी टच नहीं हो, क्योंकि वो आईसी तो मिलना ही नहीं है, अब तो अल्टरनेट ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये मैंने दोनों तार जोड़ दिए, जो इनपुट का और आउटपुट का जोड़ा है, और बीच वाला जो ग्राउंड है इसको मैं डायरेक्टली लगाऊंगा।
दें, इसको तुझे थोड़ा फोल्ड करना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो ये कस होगा। दोनों को ये थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ ताकि ये काम में दिक्कत नहीं देगा। अब अपने को दोस्तों देखना है कि अपना ग्राउंड कौन सा है। तो ग्राउंड इधर से पहला ग्राउंड है ये, क्योंकि ये कैपेसिटर लग रहा है नीचे, तो कैपेसिटर के डायरेक्शन से आप पहचान लीजिए कि ये माइनस है। तो मैं इस पहले वाली पिन में ग्राउंड डालूंगा इसका, ये बीच वाला ग्राउंड होता है तो ये ग्राउंड में इसमें डालता हूँ। तो ये ग्राउंड से ग्राउंड मैंने लगा दिया। अब मेरे ये दो तार हैं, इन तारों को मुझे इसमें इंटर करके उधर शॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे ट्रेस करना पड़ेगा कि इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, क्योंकि अगर गलत हो गया तो फिर ये बहुत बड़ा अपना नुकसान कर सकता है कि माइक्रो कंट्रोलर उड़ा दे। तो बीच वाला इसका आउटपुट है, तो ये मैं आउटपुट इसका बीच वाले में लगा रहा हूँ। तारूंगा दोस्तों बहुत अच्छी तरह बना के ही लगाना पड़ेगा। ये क्या है, अब कोई ऐसी नहीं मिलती तो ऐसा करना पड़ता है, वरना हम करना नहीं चाहते। दोस्तों बीच में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी जो मेरे कोई वीडियो आए वो देखने के लिए मिले आपको। तो ये मैं आउटपुट लिया हूँ, और इसका जहाँ बीच वाला पिन है वो आउटपुट है, ये मैं आउटपुट में इसके डाल दिया हूँ। अब इसको शॉर्ट करेंगे, तो आउटपुट शॉर्ट हो गया दोस्तों, लगा दिया मैंने। अब ये इनपुट इसका है, अभी इनपुट में इसमें लगाऊंगा, क्योंकि 7805 में इनपुट पहली पिन होती है और इसमें लास्ट वाली दिखा रखी है, तो ये थोड़ा डायरेक्शन अलग ही है। दोस्तों ये आईसी में लगा दिया हूँ, अब और थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ ताकि साफ कर दें तो दिक्कत नहीं रहे। और दोस्तों ऐसे बनाने के बाद आपको डायरेक्ट बोर्ड में नहीं लगाना है, हो सकता है कोई आपका उल्टा सीधा रह रहा हो वायर कहीं नुकसान हो जाए, तो आपको क्या करना है कि पहले इसको अलग से ऑन करना है। तो मैं यहाँ से सप्लाई की तार उठाता हूँ, एक बार हटा दिया और बोर्ड में लगा रहा हूँ, ये मैं इस बोर्ड में लगा रही हूँ। अब अपने वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज अपने बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये मैं सीरीज में लगा दिया हूँ इसको, ये सीरीज में लग गया है। अब ये देखते हैं कि पीसीबी ऑन हुई या नहीं हुई। तो ये इधर से पहला पिन जो है वो ग्राउंड है, ये मैं ग्राउंड लगा लिया हूँ। बीच वाले में चेक करते हैं तो अपने 5 वोल्ट देखिए बिल्कुल करेक्ट आ गए। तो दोस्तों पहले लगा के उसके बाद भी आपको चेक करना है ये चीज़। अब इस कैपेसिटर पे चेक करता हूँ मैं कि मेरा प्लस माइनस सही है कि नहीं है, तो कैपेसिटर पे भी 5 वोल्ट आ गए ये। तो अब ये SMPS मेरी क्लियर हो चुकी है। अब मैं फिर इसको हटा दिया हूँ और ये बोर्ड में अब अटैच करेंगे अपन, तो पता लगेगा कि ये अपना
काम हुआ या नहीं हुआ। तो ये इसकी लाइन हो गई, ये रेड वाला जेक हो गया, ये ब्लू जेक हो गया, ये मैं इसमें लगा दिया हूँ। लाइन लगाते हैं दोस्तों, मैं भी इसको एक बार सीरीज में ही लगाता हूँ, देखिए क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट लगा दूंगा तो ठीक नहीं है। तो देखिए आप ये देख रहे हैं, लाइट गीली हो गई है, ये दिख रही है आपको, तो रेड लाइट आ गई। अब देखिए बिलिंग करने लग गया, क्योंकि अब हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें हटा रखी हैं, जैसे सेंसर हटा दिए, सोलेनोइडर वाल्व भी हमने हटा रखा है, कम्युनिकेशन का भी, तो ये अब एरियर बन गया है। लेकिन अपना जो फॉल्ट था वो SMPS का था, और SMPS अपने बना लिए। तो दोस्तों अब ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये IC मैंने लगाई है, क्योंकि ये IC आपको मार्केट में अवेलेबल होना मुश्किल हो जाएगा। तो 7805 ही लगाना है अपने को, और इस तरीके से लगाना है। लेकिन उसे पहले ट्रेस करना है कि मेरा ग्राउंड कौन सा है, उसमें ग्राउंड आना चाहिए, इनपुट में इनपुट आना चाहिए, आउटपुट में आउटपुट आना चाहिए। ये थोड़ा सा एक तार भी अगर चेंज हो गया ना, तो फिर ये अपना माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। इसीलिए मैंने इसको अलग से भी पहले चेक कराए। तो आप पहले अलग से चेक करें कि वोल्टेज सारे बने या नहीं बने। तो दोस्तों ये बोर्ड जब स्टार्ट हो गया मेरा, तो मुझे कन्फर्म हो गया कि ये मेरा काम अब हो गया। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।